तो गाइस हर्षु ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मटियाड़ा के एक सरसई में, जगह क्या नाम है, सरसई, ठीक है, वहाँ जा रहे हैं। जगह का नाम बता, हम लोग कहाँ जा रहे हैं पहले ही बता। सरसई, सरसई। अरे नहीं, जा कहाँ है? शिव मंदिर। शिव मंदिर, हाँ, तो हम लोग शिव मंदिर जा रहे हैं सरसई में। अभी निकल चुके हैं, कार में ही है, आगे चलते हैं। और यहाँ का व्यू बहुत सेक्सी है, दिखाते हैं। और ये क्या भारत का दूसरा दूसरा नंबर स्टैचू पे आता है ये। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। कभी आप लोग इस साइड आओ तो जरूर एक बार यहाँ के दर्शन कर लेना, बहुत ही अच्छा है मंदिर। बाकी हम लोग यहाँ से आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। रास्ता इधर ही से पड़ता है, बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा टूटा फूटा है, बट कोई नहीं। आप लोग आए, आप लोग को शायद दिख भी रहा होगा, देख सकते हैं। ड्राइवर तो देख लो, बैक में भी देख लो, सब हिल रहा है। चलो यहीं पे स्टॉप, यही है मंदिर, देख लो भाई। बाहर निकलते हैं, दिखाते हैं। निकल चुके हैं गाइस, चलते हैं पहले अंदर। यही मंदिर है, देख सकते हैं, अंदर से दिखाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मंदिर है। चलते हैं अंदर। यही मंदिर है, बहुत सुंदर है। एक है केदारनाथ और दूसरा ये, देख लो यही है। और ये देखो ये क्या है, नंदी, देख सकते हैं आप लोग। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट जितना हो रहा है कोशिश में दिखा देता हूँ। ये लोकेशन है, देख सकते हैं आप लोग। और आसपास में काफ़ी आम वगैरह के पेड़ वगैरह उगे हुए हैं। चलते हैं ऊपर, मंदिर के नीचे का लोकेशन हम लोग जा रहे हैं। पहले ऊपर भी दिखाएंगे जाके, बट अभी यहाँ जाके दिखा देते हैं, ठीक है। अंदर चलते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है, देख सकते हैं। यहीं पे चंदर वगैरह होता है यहीं पे, और देख सकते हैं यहीं पे एक मंदिर है शिव जी का, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं दर्शन वगैरह करने के लिए। और ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है। और बाहर में तो और भी सुंदर है, दिखाते हैं। स्टैचू यही है, देख सकते हैं आप लोग भाई लोग। दर्शन कर लिए हम लोग और चलते हैं बाहर। बाहर वाला भी मंदिर दिखाते हैं आपको। दर्शन कर चुके हैं हम लोग, और कुछ कुछ अभी भी श्रद्धालु वगैरह जो भी है सब आ रहे हैं अभी, मतलब जो लोकल बाई में नियर बाई में रहते हैं वही लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग बाहर चलते हैं, ऊपर भी दिखाएंगे। ऊपर वाला लोकेशन तो बहुत बवाल है, बहुत बवाल है। ये देख सकते हैं फौज मार आईफोन है, अमीर लोग, हमारा वीवो है, भगवान जी को ही तो प्रिय है। जगह पे चप्पल वगैरह खोला जाता है, पहना जाता है, सब यहीं पे किया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। और क्यूट है कोई बात नहीं। इस टाइम का व्यू जो अभी भी बहुत सुंदर जो बन ही रहा है अभी, देख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ दिखा देते हैं आप लोगों को। ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ का व्यू इतना सेक्सी है और गजब है। पहले ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। अब यहाँ का एक और व्यू दिखाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लेक, पोखरा, यहाँ के भाषा में पोखरा, और आप लोग लेक बोल सकते हैं। लेक टाइप है, बहुत सेक्सी व्यू, देख सकते हैं। बगुला बोलते हैं शायद, जो भी उड़ रहा है वो। लेक देख सकते हैं यहाँ पे साइड में, आप लोग जाके बैठ भी सकते हैं। देखो वो लोग बैठे हुए दिख रहे होंगे आप लोगों से, बच्चे लोग वहाँ भी बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का, यहाँ से लेकर बहुत दूर तक है पानी वगैरह लेक। और यहाँ तो एकदम मंदिर ही है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग इस टाइम आए तो भीड़ नहीं था ऐसे, यहाँ पे नया मंदिर है, भीड़ वगैरह रहता है अच्छा खासा, ठीक है। तो सो गाइस, राजू वाले पोज में इनका फ़ोटो खींच रहे हैं, देख सकते हैं लुक लाइक एकदम वही लग रहे हैं। आ रहा है कि नहीं, बस चलते हैं ऊपर, ऊपर मंदिर पे। पहले एकदम ऊपर तो जाने का अलाउ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी बन ही रहा है, तो जहाँ तक हो सकता है हम लोग चल के दिखाते हैं आपको। और मंदिर देख लीजिए, यहाँ से व्यू देखो पहले लेक का। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, गिर बैठ गए दिक्कत हो जाएगा। लेक का व्यू देखो पहले, और ये लोग देखो क्या कर रहा है। यहाँ से पूरे जगह का व्यू दिखता है, देख लो पूरे जगह का। और ये पूरा हॉल है, ऊपर जाने का भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। पहले ऊपर जाने का रास्ता तो यहीं से है,
चलते हैं पहले। फ्रीजर ढोलक दिख रहा होगा आपको, बनी रहा है सब चीज़, अभी रेडी नहीं हुआ है ये सब चीज़। और ऊपर जाने का रास्ता दिखा देते हैं हम लोग, देख लीजिए जा सकते हैं क्या, बंद है। अच्छा ऊपर बंद है तो जाने का कुछ है नहीं, फ़ायदा नहीं है, काम ही चल रहा है अभी, छोड़ो हटा। बट बाहर ही से देख लेते हैं, चलते हैं बाहर। यहाँ का व्यू देखो पहले कितना तगड़ा है, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब सो गाइस मटियारा लोकेशन बता देता हूँ, मटियारा वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, आप रोड पे भी रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, और मेन रोड से आओगे तो मुश्किल है। आप मैं लोकेशन पूरा डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जिसको भी आना होगा आ जाना, ठीक है। लोकेशन बहुत बढ़िया है, ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, बट लोकेशन डाल दूँगा देख लेना तुम लोग, और बाकी तो आके देख ही लेना। हम लोग मंदिर से दर्शन वगैरह जो भी है सब देख लिए, कैसा मंदिर है, अभी तो मंदिर ओपन नहीं हुआ है। चलते हैं आसपास में, देख सकते हैं एक दो ही दुकान है मोमो का, यहीं पे खाने चलते हैं, देख सकते हैं प्राइसिंग दिखा देते हैं क्या है मोमो का। कुल्हड़ चाय 10 का है, सेकंड जी 12, ब्रेड पकौड़ा 40 का, 8 मोमो, ठीक है। ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा।